क्योंकि बगले के बाहर तो है ना हर कोई कुत्ता आ जाता है, लेकिन थिएटर के सामने असली शेर आ जाता है। मैं तो बोलूँगा अगर आपको रियल बस देखना है, जो क्रेज़ देखना है, तो गेटी गैलेक्सी ज़रूर आना। बादशाह के फैंस लोग ने बहुत बड़ा उत्सव की तैयारी कर रखी है। हेलो मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के 3 इडियट ओनली ऑन योर डिमांड, हमारे सारे ऑडियंस के डिमांड पे। थैंक यू। तीनों साथ में आ गए, तीनों फ्रेम में आ गए। सबसे पहला फर्स्ट इडियट गौरव गोलू, थैंक यू। हमारे सेकेंड इडियट विघ्नेश एंड थर्ड समृद्ध, स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। धन्यवाद। एडवांस बुकिंग गेटी गैलेक्सी पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 बजे का शो लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले शुरुआत करूँ फर्स्ट शो मुंबई गोलू के साथ। नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी बात है कि फैंस लोग ने, बादशाह के फैंस लोग ने बहुत बड़ा उत्सव की तैयारी कर रखी है। सुबह 9 बजे 9:30 बजे आई थिंक सो फर्स्ट शो चालू होगा पठान का। ये ऐसा गेटी पे पहली बार नहीं है, जैसे हमारे समू भाई ने बताया ये ऑलमोस्ट बहुत बार हो चुका है एज अ फैन डिमांड पे। बच्चन साहब के फिल्म, यस यस यू आर राइट, पठान की पहली, शाहरुख खान सर की पहली है ये कि फैन डिमांड पे इतना बड़ा उत्सव होगा। और उत्सव के साथ साथ हम हमारी ऑडियंस को कैसे पीछे रख सकते हैं? हाँ भाइयों, यस मैं बताना चाहूँगा पूरे बॉलीवुड प्रेमी की टीम वहाँ पे मौजूद होगी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी जितने भी ऑडियंस हैं, हमारी जितने भी चाहने वाले हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव वहाँ मिलेंगे। मीट रखा है, आइए मिलिए, एक साथ इंजॉय करेंगे और झूमेंगे पठान के साथ। तो एडवांस बुकिंग की बात करें तो हर जगह भगवा ही भगवा है। बुक माई शो कर दो डन, ढिंडोरा पिटवा दो दादा, पठान आ रहा है। ढिंडोरा पिटवा दो बोल रहे हमारे फर्स्ट शो मुंबई गोलू, चलिए आता हूँ आपके पास में। यस, एडवांस बुकिंग पे आपका क्या टेक है, रिएक्शन? अभी जैसे डेट नज़दीक आ रही है, अभी 25 को सिर्फ 4 दिन बाकी है, तो एडवांस बुकिंग अच्छी चल रही है जितनी चलनी चाहिए। क्योंकि एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली थी 20 तारीख को, लेकिन शुरू हो गई 18 तारीख को। बस तो है, यस यस यस, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है टू सी बादशाह खान आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स एक लीड रोल में देखने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड उसके ऊपर इन्होंने जो स्पेशल शो का अनाउंसमेंट किया, मतलब 9 बजे से गेटी गैलेक्सी, सिर्फ गेटी गैलेक्सी में नहीं हो रही है, गेटी गैलेक्सी के साथ गेटी गैलेक्सी और सॉरी विवियाना मॉल, विवियाना सिनेमा जो ताने में बहुत बड़ा है कार्निवल, इसके अलावा हमारे अंधेरी में सिनेपोलिस रिपब्लिक मॉल, उसमें हो रही है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा अगर आपको रियल बस देखना है, जो क्रेज़ देखना है, तो गेटी गैलेक्सी ज़रूर आना। क्योंकि जो रिएक्शन आपको वहाँ देखने को मिलेगा ना, वो कहीं पर भी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा थिएटर है मुंबई, यस 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 यस, विशाल थिएटर है, आइकॉनिक सिनेमा, आइकॉनिक सिनेमा, यस। सो अभी देखा जाए तो मैं चेक कर रहा था BMS में, कई कई जगहों पे रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ओके, देखो आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, शाहरुख खान इज बैक आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स एंड जितने भी कांस की मूवी आती है ना, मैं एक चीज़ नोट किया हूँ, हर टाइम पिक्चर मतलब टिकट की रेट जो है ना, मतलब हमेशा रेट हाई रहती है। मतलब उन लोग का वो क्रेज़ है, आज भी बोल सकते हैं कोई बोले हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये गलत बात है। आप माना कि यशराज फिल्म्स ने अभी बहुत सारे फ्लॉप्स दिए है, मुझे ऐसा लग रहा है जो लॉसेस है ना कवर करने की कोशिश कर रही है आदित्य चोपड़ा जी अल्लाह भरेंगे लगता है तो लेकिन रेट्स थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी रेट्स आप बढ़ाओगे ऑब्वियसली अभी टाइम ऐसा चल रहा है, तो आप ऐसा रेट रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, एंजॉय करे, एंड आपकी पिक्चर सुपर हिट क्या, ब्लॉक बस्टर क्या, ये ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर बन जाए, ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर बन जाए। हम तो यही चाहते हैं कि अभी देखते हैं, बहुत सारे भवाल चीज़ तो चल रही है, बेशरम रंग दे के बाद जो ऑडियंस भवाल मचा रही है। आपका क्रश चेंज हुआ कि नहीं रश्मिका से दीपिका पे? हीरोइन तो हीरोइन होती है यार। अच्छा ऐसा क्या? ओके, रेट्स कम करना चाहिए बोल रहा हूँ। यस यस यस, मुंबई विघ्नेश, चलिए आता हूँ हमारे थर्ड इडियट समृद्ध के पास में। ओहो, स्माइल ऐसी देते हैं, माय गॉड, दम सभी लोग बेशरम हो जाते हैं। ओके, क्या कहना चाहोगे एडवांस बुकिंग?
बेचारा शर्मा गया दीपिका का नाम सुनते नहीं लेकिन ठीक है, अभी पठान तो थिएटर में ना झूमेगा, ऑडियंस को झुमाएगा और हम खुद झूम जाएंगे, पूरी बॉलीवुड टीम, बॉलीवुड प्रेमी टीम सॉरी। बट अभी जो इन्होंने जो कहा कि टिकट रेट्स बहुत हाई रखे यशराज जी ने, मतलब आदित्य चोपड़ा ने, भाई क्यों रे, ऑडियंस का, ऑडियंस को लूटने आए हो क्या, ऑडियंस का दिल जीतने आए हो? उसमें गाना भी है ना, हमें तो लूट लिया मिलके आदित्य चोपड़ा जी ने इनका गाना इन्हीं के खिलाफ यूज होगा ऐसा लगा। तो देखो अभी जो बुक माई शो पे मैं जब देख रहा हूँ हर तरफ भगवा ही भगवा है हो, लेकिन गेटी गैलेक्सी पे सुबह 9:30 का शो, नौ बजे का शो आई शपथ शाहरुख खान के पिक्चर के लिए ये पहली, मतलब गेटी गैलेक्सी मेरे लिए तो पहली बार होगा कि पूरा ढोल नगाड़ा सब बजेगा, क्योंकि जब जीरो के टाइम पे ना वो कॉरिडोर है ना जी सर मल्टीप्लेक्स का पूरा खाली था, लेकिन ये SR के जो उनके जो गैंग है वो लोग भर देंगे वो शो। लेकिन सबसे मेन शो है ना 12:30 का है बॉस, पहला शो तो वही है, 9 बजे का शो तो हर कोई भी आएगा, लेकिन 12:30 का शो पहला नजर उस पे आएंगे हम लोग। बर्थडे पे आपने कहा था जब लोगों को देख के कि जितनी भीड़ आप बंगले के बाहर करते उतनी भीड़ थिएटर के बाहर भी। एग्जैक्टली सर, क्योंकि बंगले के बाहर तो है ना हर कोई कुत्ता आ जाता है, लेकिन थिएटर के सामने असली शेर आ जाता है, कि वो शेर तो आप अंदर दिल पे ले लिए सारे फैंस ने। हाँ, क्योंकि और एक्चुअली देखने का तो मुझे हम तीनों को इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इनको तो क्या कोल्हापुर से मैसेज आया है, मुझे तो कई बिग शाउट आउट टू दैट फैन फ्रॉम कोल्हापुर। हाँ, कोल्हापुर क्या बात है। और पहली बात मुझे अहमदाबाद से और राजस्थान से शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मोहम्मद ओडिशा से भी आ रहे हैं हमको मैसेजेस, तो प्लीज आप आ जाओ, हम लोग खर्चा तो नहीं देंगे लेकिन आप आ जाओ लेकिन आप मिलके अच्छा लगेगा हम सबको, और वो मूवमेंट एक मूवमेंट एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ पहली बार हो रहा है कि हम लोग के लिए मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। बुकिंग कितनी हुई है? हाँ, अभी एडवांस बुकिंग के बारे में बात करूँगा, अगर PVR, आइनॉक्स, मेट्रो, सिनेपॉलिक्स, वो जो बड़े बड़े जो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स है उसमें 33,000, 35,000 ऐसे कुछ तो एक रेट दिखा है, लेकिन ओवरऑल टिकट्स 1,75,500 की टिकट बुकिंग सेल हो चुकी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन अपने यश भाई का रिकॉर्ड टूटना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल, लेकिन ओपनिंग, हाँ, क्योंकि 55 करोड़ का, लेकिन जो सिद्धार्थ आनंद भी लाइक वॉर में तो मैंने 53 की ओपनिंग दी थी, ये पठान भी मेरे को ओपनिंग चाहिए। सिद्धार्थ आनंद बोलेगा अरे भाई ऑडियंस आओ यार मेरे लिए तो आओ, शाहरुख खान के लिए पूरे जन आते हैं भाई मेरे लिए तो आओ, दीपिका को देखने के लिए चलो कोई बात नहीं, सेंसर ने थोड़ा लगाया थोड़ा कट, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग तो पठान के लिए देखने को आते हैं भाई, पठान के लिए आ जाते हैं। ये था हमारे मुंबई के 3 इडियट्स का एडवांस बुकिंग रिएक्शन ऑन शाहरुख खान की सबसे बड़ी पिक्चर, इस साल की सबसे पहली बड़ी पिक्चर पठान। यस सर, आएंगे हम आप तीनों के पास में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑनेस्ट रिव्यू जानने के लिए, और झूमेंगे एक साथ उसी दिन पठान के संग। थैंक यू।